तो गाइस यार स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। एंड आज आ चुका हम लोग दोबारा से आरसीडी जुब्बे जी हंटर के साथ। गाइस आज की वीडियो में सबसे पहले भाई हम लोग देने वाले शाउट आउट, क्योंकि आरसीडी के सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने भाई एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर जिन बंदों ने दिया तो उनको सबसे पहले शाउट आउट दे देते हैं। तो सबसे पहला शाउट आउट जाता है अपने प्यारे से छोटे से भाई सुजीत भाई को। चलो ठीक है, पहला गया। एंड दूसरा जाता है नोब्रो भाई को, तीसरा जाता है प्रीतम भाई को, चौथा जाता है अनुराग को, पाँचवा जाता है अपने जे ठकुरिया भाई को, एंड उसके बाद जाता है यानिका को, एंड लास्ट में जाता है विश्वरूप को। तो ये थे भाई अपने सारे के सारे शाउट आउट विजेता। एंड भाई यार अब आते हैं मुद्दे की बात पे। लास्ट एपिसोड में भाई हम लोगों ने देखा था कि अपने बगल वाले गांव में भाई बहुत तगड़ा वाला वायरस फैल गया था एंड सारे के सारे बंदे भाई जोम्बी बन गए थे, बट हम लोगों ने भाई उनका सफाया कर दिया। एंड आज हम लोग जाने वाले हैं एक नई लोकेशन में। एंड भाई देखते हैं कि ये वायरस भाई कहाँ कहाँ फैल चुका है, वहाँ वहाँ बंदों का सफाया करना है। तो आ जाओ सबसे पहले किरिल से बातचीत करते हैं एंड फिर देखते हैं भाई आज का मिशन क्या होने वाला है। तो चलो यार। एंड ओ भाई यार हो गया लोचा, कम्युनिकेशन भाई सिस्टम अब तक खराब हो चुका है। एंड भाई यार किरिल बोल रहा है कि अपने को जाना है मेन लैंड में एंड वहाँ पर भाई अपने को कम्युनिकेशन टावर सही करना पड़ेगा। एंड भाई बोल रहा है गाड़ी से नहीं जा सकते, पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये बोल रहा है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड एनिमल्स भी हो सकते हैं तो उनसे बचना पड़ेगा। एंड भाई साहब यार ये कौन सी लोकेशन है, इतनी ज़्यादा प्यारी लोकेशन भाई साहब, मज़ा आएगा बट ठीक है एट एनी कॉस्ट। भाई ऐसा मिशन अपने पुराने वाले मैप पे भी था यार। चलो ठीक है, बट अभी इसमें भाई अपने को टावर को कन्फिगर करना है, मतलब सही करना है जिससे भाई अपना कम्युनिकेशन। ओ रुको 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 रुक, एनिमल दिखा, रुक जाओ स्लो डाउन करते हैं। एंड भाई रुक जा बेटे, तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ भाग रहा है। एंड भाई मरा नहीं भाई, रुक जाओ, दो में भी नहीं मरा भाई यार, ये तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एंड गया भाई, मेरे को लग रहा भाई यहाँ पे भी तगड़ा वाला इन्फेक्शन फैल चुका है एंड यहाँ पे जितने भी एनिमल मिलेंगे सारे के सारे इन्फेक्टेड रहेंगे मेरे को लग रहा है। इसीलिए अपने को एक एक कदम भाई बहुत ज़्यादा सावधानी से रखना होगा। एंड भाई अपने टावर को ढूंढना होगा, क्योंकि टावर नहीं सही हुआ ना तो भाई पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी अपनी। एंड अपने को भाई उसको रोकना पड़ेगा, इसलिए आ जाओ भाई अपन लोग। रुक जाओ भाई, वो रहा है एक एनिमल, रुक जा बेटे, किधर जा रहा है, स्लो मोशन। एंड ओ एक गोली लगी, ठीक है। एंड ओ बच गया भाई, भाग रहा है। एंड दूसरी गोली भाई, दो गोली में नहीं मर रहा है, दो गोली में काम नहीं हो रहा भाई, तीन गोली में मर रहे हैं, बट ठीक है एक और आया। रुक जा बेटे, तेरी ऐसी की तैसी। एंड रुक जा गाइस, इसका तो काम करके ही रहेंगे हम लोग। भाई एक गोली लगी एंड सेकंड, ओ भाई चलो ठीक है रिलोड कर। एंड भाई यार हम लोग देख सकते हैं कि अपने जितने भी एनिमल है ना वो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। एंड गया भाई साहब शानदार तरीके से, बट यार ये लोग हम पे अटैक नहीं कर रहे हैं इसलिए चलो इनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग भाई अपने टावर को सर्च करते हैं एंड भाई उसको सही करते हैं, क्योंकि अपना मिशन तो यही है ना कि अपने को टावर भाई सही करना है। एंड अगर टावर सही ना हुआ तो भाई ये समस्या वाली बात होगी। एंड लोकेशन भाई देख रहे हो यार कितना ज़्यादा प्यारा लोकेशन है, लग रहा है कि हम लोग हिमालय पर्वत की चोटियों में घूम रहे हैं, बहुत सही मस्त माहौल है। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर देना। एंड रुक जाओ भाई यार यहाँ पे रास्ता हम लोग भटक सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भाई यहाँ पे बर्फ़ गिरा हुआ है कि अपने को रोड देखने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं आ जाओ सीधा चलते हैं, कहीं अपने को मुड़ना नहीं है। रुक जाओ एक एनिमल दिखा, आराम से इसको मारते हैं। एंड ओ भाई चलो ठीक है इसको मारना भाई, इसके ऊपर एरो आ रहा है मतलब ठीक है, अरे भाई मर गया, चलो शानदार तरीके से। एंड रुक जाओ आ जाओ चलते हैं इधर से आगे, और यहाँ पर थोड़ा सा भाई अपने को संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी भाई एनिमल निकल के हम पे अटैक कर सकता है। एंड रुक जाओ भाई संभल के आराम से चलते हैं। और भाई यार देख रहे बर्फ़ भाई इतनी भयंकर फैली हुई है कि भाई वो घातक है, मज़ेदार है। एंड रुक जाओ भाई सामने कोई नहीं है, रुक जाओ भाई कौन मार रहा है, रुक जाओ भाई कोई गोली मार रहा है सही में, रुक जाओ सामने कहाँ से मार रहा है यार, रुक जाओ यहीं कहीं बंदा, ओ भाई रुक जा तेरी बेटे ऐसी की तैसी। यहाँ पे भाई आदमी भी लगे हैं, मतलब भाई यहाँ पे पता नहीं कौन लगा, मिलिट्री वाले कि पोचर्स तो नहीं है। हाँ भाई यार भाई जानवरों से तो कम डर है बट इनसे भाई यार इनके पास वेपन है, एंड जिनके पास वेपन है इसलिए भाई अपने को बहुत ज़्यादा खतरा इनसे हो सकता है। तो अब भाई अपने को और भी ज़्यादा सतर्क रहना है, रुक जाओ थोड़ा सा भाई संभल के आराम से चलते हैं। एंड भाई वो क्या है यार, रुक जाओ भाई साहब यार यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है, मतलब भाई यहाँ पे बंदे मिल सकते हैं, तो अपने को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक यहाँ पे भाई खेलना होगा, नहीं तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी। रुक जाओ थोड़ा सा बैक चलते हैं भाई, यहाँ पे बंदे हैं भाई मेरे को तो 100% लग रहा है। एंड रुक जाओ संभाल के भाई छिप छिप के चलते हैं, क्योंकि बंदे यहाँ पे हैं एंड वो भाई हमको डैमेज पहुँचा सकते हैं।
इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। रुक जो भाई, वो ट्रक यहीं कहीं होना चाहिए बंदा यार। चलो ठीक है, मेरे को लग रहा है। ओ भाई वो देखो, वो मारा मारा मारा, रुक जा भाई, कहाँ से मार रहा छिपके यार भाई, रुक जा, आधी हेल्थ हो गई तुम्हारी बेटा, ऐसी की तैसी, पीछे से तो नहीं मार रहा, रुक जा, सबसे पहले हेल्थ पूरी करते हैं। चलो भाई, फर्स्ट एड थी अपने पास तो हमने यूज़ कर लिया उसका। रुक जा भाई, बंदा भाई दिख नहीं रहा है, कहाँ छिपके मार रहा है। रुक जा बेटे, तू कहीं झाड़ में तो नहीं छिपा, रुक जाओ देखते हैं। एंड नहीं भाई, यहाँ तो कहीं नहीं है, रुक जाओ। ओ भाई यहाँ छिपा है, रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी, झाड़ में छिपके मारता, गया नहीं गया भाई, रुक जाओ। दोबारा से दो गोली मारी एंड खेल ख़त्म। भाई साहब यार, झाड़ में छिपा था बंदा, इसीलिए हमको दिख नहीं रहा था। एंड दो बंदों की भाई हम लोगों ने लंका लगा दी। एंड रुक जाओ भाई, यहाँ पे दो रास्ते हैं तो पहले इधर चेक कर लेते हैं, नहीं तो भाई रुक जाओ, पहले इधर ही चलते हैं उसके बाद उधर चलेंगे ट्रक वाले में। एंड शायद से ट्रक तो वैसे चलाने को नहीं मिलने वाला भाई अपने को इस गेम में, बट ठीक है, अपडेट भाई बहुत सारे आ रहे हैं, बट यार इस समय ग्लिच बहुत ज़्यादा अपने गेम में चल रहा है, तो ये थोड़ी सी दुख वाली बात है, बट ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हर अपडेट में कुछ ना कुछ नया सिस्टम आता ही रहता है। रुक जाओ भाई, ट्रक नहीं, कोई नहीं यहाँ आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई, अभी हम लोग अपने रास्ते में चलते हैं। एंड अपने को भाई टावर ढूंढना है, ये अपने को भूलना नहीं है, इसलिए आ जाओ भाई चलते हैं। एंड भाई यार देख रहे हो ब्रिज, भाई साहब यार बर्फ़ से ढका हुआ है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू भाई दिख रहा है यहाँ पे। एंड रुक जाओ भाई साहब, हम लोग भाई माउंटेन वाले एरिया में है मेरे को लग रहा है, बट यहाँ पे बर्फ़ है, इतना अंतर है। एंड भाई रास्ते को पहचानने के लिए अपने को ये साइड वाले बांस देखने हैं बस, क्योंकि यहाँ पे भाई बंदा, रुक जा, डैमेज देने लगा, रुक जा चचा तेरी ऐसी की तैसी, बेटा हमको मारेगा, दो कनेक्ट आए हैं। एंड ओ भाई नहीं मरा यार, हेडशॉट में भी, चलो भाई दो गोली पड़ी एंड खेल खत्म बंदे का। एंड रुक जाओ भाई, सबसे पहले हेल्थ पूरी हो चुकी है, अब भाई देखते हैं एक दो बंदे शायद और होंगे, उनकी भी ऐसी की तैसी करते हैं, बट ठीक है भाई, अपना टावर तो यहीं सामने है ना। रुक जाओ बेटा, पंगा नहीं लेना, वरना भाई शॉर्ट गन से इतने दूर कैसे लोग मार देते हैं। चलो ठीक है, भाड़ में जाए, शॉर्ट गन केवल नाम की है। आ जाओ भाई, इसको सबसे पहले सही कर देते हैं टावर को। एंड भाई हो चुका टावर सही मस्त तरीके से। चलो गाइस यार, अच्छा ठीक है, मिखेल का भी आ चुका है कॉल। एंड चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ गाइस वापस चलते हैं हम लोग। एंड इसी के साथ गाइस यार, अपना ये वाला मिशन भी शानदार तरीके से हो चुका है कंप्लीट। एंड अभी चलते हैं गाइस यार आगे, एंड देखते हैं यार अपना कम्युनिकेशन सिस्टम सही हो चुका है, तो अभी देखते हैं भाई और अपने को कहाँ जाना है। एंड भाई यार इन्फेक्शन बहुत घातक वाला फैल चुका है, एंड इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये भाई अभी तक अपने को पता नहीं चला है। अपने साइंटिस्ट ने भाई बोला था कि थोड़ा बहुत टाइम और उनको लगेगा, बट ठीक है जब तक भाई वो लोग रिसर्च करते हैं तब तक भाई हम लोग, रुक जाओ सबसे पहले गोली वगैरह सब कुछ खरीद लेते हैं यार, क्योंकि गोली अपने पास ख़त्म हो चुकी है। एंड बिना गोली के भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये गेम। एंड रुक जाओ भाई, आ जाओ सबसे पहले स्किन वगैरह बदल लेते हैं यार थोड़ा सा, शायद स्किन बदलने से कोई फ़ायदा, वैसे भाई पैसे हैं तो बदल ही लेते हैं यार, कौन सी 37 ये भाई महंगी है, रुक जाओ इसको नहीं करने वाले हैं। इससे पीछे कौन सी थी भाई, वही अली कर लेते हैं 37 की, ठीक है भाई यही कर लेते हैं, थोड़ा सा शायद अपने को कोई नया चीज़ देखने को मिले, बट ठीक है हो गया भाई काम। एंड आ जाओ भाई बैक चलते हैं, और अच्छा भाई कुछ अपने को अचीवमेंट पूरी हो चुकी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई रिपेयर कर लेते हैं, तभी भाई अपनी गन चलती नहीं है। एंड भाई यार मस्त है, हो चुकी अपनी गन दोबारा से रिपेयर। एंड भाई यार रिपेयरिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो गोली चलती नहीं है एंड उसी समय अपनी ऐसी की तैसी हो जाती है, बट ठीक है आ जाओ भाई अभी शॉर्ट गन की बारी। भाई शॉर्ट गन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी यार, बट ठीक है हो चुकी है पूरी तरह से रिपेयर। एंड यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दो, गोली वगैरह खरीद लेते हैं, क्योंकि बिना गोली के हंटिंग सीजन में तो भाई हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानवर भाई बहुत घातक हैं। एंड रुक जाओ भाई फर्स्ट एड भी खरीद लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने यूज़ किया था। चलो ठीक है भाई हो गया 3-3। एंड रुक जाओ भाई बाम भी खरीद लेते हैं, क्योंकि सांप वगैरह काट लिया ना तब भाई अपने को ये काम आता है। चलो ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने बाय कर ली है, एंड अभी पूरी की पूरी व्यवस्था बन चुकी है। अब आ जाओ गाइस चलते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ, एंड अब देखते हैं कि अब अपने को कौन सा मिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। लास्ट मिशन तो भाई बहुत सही वाला था, बट ठीक है, बट यार जो लास्ट मिशन हम लोगों ने किया था उस पे भाई एनिमल्स अपने ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे थे, वो भाई अपना इधर उधर भाग रहे थे। चलो ठीक है अभी चलते हैं मिखेल से बातचीत करते हैं, एंड देखते हैं भाई कि अब अपने को क्या देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे। एंड अच्छा भाई यार लो हो चुका इधर बवाल,
भाई साहब यार माउंटेन कैंप में भाई बहुत ज़्यादा बवाल मचा है, वहाँ पे एनिमल ने अटैक कर दिया है जो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो चुका है वहाँ के लोगों के लिए। एंड अपने को भाई वहाँ पे जाना है एंड उनकी हेल्प करनी है जितना हो सकता है अपने से। तो यार भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है एंड चलो ठीक है भाई, इसीलिए हम लोगों ने भाई टावर को सही किया। अगर टावर ना सही करते ना तो भाई अपने को पता ही नहीं चल पाता कि माउंटेन कैंप पे क्या हो रहा है। बट ठीक है अभी चलते हैं माउंटेन कैंप में एंड भाई वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखते हैं और उसी अनुसार भाई काम करते हैं। एंड रुक जाओ भाई यार, अपग्रेड तो भाई अपनी हुई थी गाड़ी, मतलब यार स्पीड इसकी बट ज़्यादा नहीं हुई है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलाने लायक है ये भाई सही है, नहीं तो पैदल जाना पड़े ना तो भाई और समस्या वाली बात है। बट ठीक है रुक जाओ। एंड हाँ भाई यार टावर अपना ख़राब हो गया था ना तो अपना वॉकी टॉकी भी काम ना करता यार, चेक नहीं किया हम लोगों ने। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट आ जाओ भाई माउंटेन कैंप में चलते हैं। वहाँ पे भाई किसी जानवर ने अटैक कर दिया, मतलब किसी ने नहीं भाई मतलब सारे के सारे जानवर बहुत तगड़े से अटैक कर दिए वहाँ पे। एंड देखते हैं भाई इधर का क्या माहौल चल रहा है। एंड ये वही कैंप है भाई चैम्पियन था, बट हम लोग आए एंड हम लोग यहाँ के चैम्पियन बन चुके हैं। वो रेसिंग वाला एपिसोड जिन जिन बंदों ने देखा होगा ना उनको भाई ये वाला समझ में आ गया होगा। बट ठीक है भाई अपने को हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हंटिंग सीज़न चल रहा है भाई सभी के लिए, तो मज़ा भाई सभी को लेना चाहिए। रुक जाओ भाई, भाई यार यहाँ पे आग वगैरह चल रही क्या? ओ भाई साहब यार यहाँ की हालत देख मेरे को लग रहा भाई बहुत तगड़ा वाला यहाँ अटैक हुआ है। एंड भाई यार वो देखो मिकाइल भी भाई वही बोल रहा है। एंड रुक जाओ भाई किसी आदमी से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में। यार देख रहा हो सारे के सारे बंदे पड़े, आग वगैरह लगी हुई है, बहुत तगड़ा इधर का माहौल है, आज उससे बात करते हैं। एंड ओ भाई साहब यार यहाँ की तो सिचुएशन भाई बहुत ख़राब है, ये बंदा बोल रहा है कि भाई यहाँ पे सारे के सारे लोग मारे गए। एंड ये भाई लकी था क्योंकि ये उस समय घर के अंदर चला गया था, बट यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला भालू आया था एंड उस भालू को मारने के चक्कर में भाई एक आदमी गोली मार रहा था, लेकिन यार उस आदमी को भाई भालू टांग ले गया। एंड अभी यार अपने को जाना है जंगल में एंड उस आदमी की भाई अपने को हेल्प करनी होगी एंड इसी के साथ भालू की ऐसी की तैसी करनी होगी। एंड रुक जाओ भाई, चलो ठीक है मिकाइल भाई यही बोल रहा है कि अपने को भाई जाना है जंगल में एंड उस भालू को ऐसी की तैसी करनी है। बट यार ये जो बंदा था ना जिससे हम लोगों ने अभी बातचीत की वो बोल रहा था बहुत ज़्यादा बड़ा भालू था, बट ठीक है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भाई भालू इस गेम में मारे हैं, लेकिन भाई उस बंदे के एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा था कि हम कोई सामान्य भालू है, मतलब बहुत VIP मतलब बहुत तगड़ा वाला भालू मिलने वाला है शायद अपने को। बट ठीक है एक आदमी को भाई वो घसीट के गया है इसलिए अपने को थोड़ा सा भाई यहाँ पे ब्लड के निशान दिखेंगे, उसी से भाई अपने को रास्ता पता चलेगा कि वो बंदा कहाँ पे है। रुक जाओ भाई यहाँ पे बहुत, रुक जाओ मिकाइल के पीछे चलते हैं भाई, अपने को वैसे ब्लड से कोई लेना देना है नहीं, बट ठीक है यार जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके, ये देखो भाई यहाँ पे ब्लड था, मतलब यार इसी दिशा में वो गया है। ये देखो भाई साहब यार घसीट के ले गया उस बंदे को। रुक जाओ भाई बड़ा बवाल मचने वाला है गाइस, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। एंड भाई यार देख रहा हो मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हम लोग आ चुके हैं क्योंकि भाई रुक जाओ देखते हैं ये रहा, चलो ठीक है सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। एंड वो रहा बंदा यार भाई साहब, रुक जाओ यार इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, रुक जाओ इससे बातचीत करते हैं क्या है। एंड हाँ भाई तेरे को देख लिए यार टेंशन मत ले। एंड ओ भाई ये बोल रहा है अगर भाई तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग लो यहाँ से, बेटा चिंता मत कर बहुत सारे बंदों के ऐसे के तैसे कि तेरे को भी बचाएंगे एंड भालू को भी ऐसे के तैसे करेंगे। एंड अब गाइस यार अपने सामने आने वाला है बहुत ही भयंकर वाला भालू। एंड रुक जाओ यार देखते हैं किधर है, वो देखो भाई ओ भाई साहब यार इतना बड़ा भालू बहुत बड़ा, रुक जाओ तेरे ऐसे के तैसे यार भाई इसको तो आसानी से नहीं मार पाएंगे हम लोग। भाई साहब यार बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, रुक जाओ तेरी बेटा ऐसे की तैसी, रुक जाओ मारते रहो भाई यार इसको 20-30 गोली मारेंगे तभी मरेगा मेरे को लग रहा है। रुक जा तेरी भाई डैमेज दे रहा है, रुक जा भागे रहो यार किधर है यार ये, रुक जा तेरी चचा ऐसी की तैसी किधर क्या, रुक जाओ यार बहुत बड़ा भालू है। पर ठीक है चलो दोनों लोग लगे हो भाई, एंड भाई यार दो लोग हैं मार तो सकते हैं आराम से इसको, बट यार बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रुक जा मरता क्यों नहीं भाई, हेल्थ भाई आधी कर दी इसने, रुक जा स्लो मोशन एंड ख़त्म, नहीं ख़त्म यार रुक जा बहुत बड़ा भालू यार, इसीलिए उस बंदे ने बोला था कि बहुत बड़ा भालू है। रुक जा भाई हेल्थ सबसे पहले, चलो भाई हेल्थ हो चुकी कंप्लीट, अब बेटे तेरी ऐसी तैसी करते हैं, बहुत ज़्यादा तूने टाइम बर्बाद किया हमारा। रुक जा किधर भाग रहा है अब बेटा, जान गया ना ये मरने वाला है बट इसीलिए नहीं भाई इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। एंड भाई साहब क्या ही तगड़ा सीन एंड ख़त्म यार, भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था भाई ये, बट ठीक है भाई हम लोगों ने किसी तरह से भाई इस बड़े से भालू को मार दिया। एंड क्या
अच्छा भाई चलो भाई, इस बंदे की मलहम पट्टी कराते हैं एंड भाई इधर से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि मैटर भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। एंड चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, फर्जीवाड़ा की बातचीत हो रही है यहाँ पे। और भाई यार ये मिशन भाई बहुत ज़्यादा डरावना और घातक था यार, बहुत ज़्यादा एपिक था। एंड इससे अपने को ये पता चलता है कि आने वाले मिशन और भी ज़्यादा हार्ड होंगे यार, एंड ऐसे भालू अपने को बहुत सारे देखने के लिए मिल सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत थी। तो यार गाइस, आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।